अब मैं भी जिसके लिए हजूर पाक रोए भी बुजुर्ग फारी की जी लंबी अजीज कि मैं उनको लिए रोता हूँ। अच्छा, ये फकत उनके लिए, सिर्फ उनके लिए। अल्लाह वो एक नियारी चीज है। अल्लाह आज तक ऐसा हुआ नहीं जैसा वो होगा इमाम मेहदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तक किसी नबी का पीर नहीं हुआ। जी सर हुआ नहीं इमाम मेहदी सलाम का पीर हुआ। अल्लाह वो जो बैत होंगे तो नारा काम है ना। सही बात। उसकी क्या करामत भी नियारी होगी। सुभान अल्लाह। तो उसकी तालीम भी नियारी होगी। अल्लाह उसकी तालीम ऐसी होगी कि हर मजहब और फिरका उसको तस्लीम करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इत्तेहादत मुखालफत उनकी भी हुई है नहीं? सुना है कि सबसे पहले उनकी मुखालफत जो है ना मौलवी करेंगे, उसके बाद पुलिस उनके पीछे लग गई। तो अगर इमाम मेहदी है, अभी कोई भी दावा करता ना कितना खड़ा हो चुका है ना इमाम मेहदी का, इससे पहले भी अब कोई भी कहता मैं मेहदी पुलिस के पीछे लग जाती है ना कि ना कितना खड़ा कर देगा ये, कोई ऐसी करामत दिखा अनोखी। जी जी अगर वहाँ से बच गया ना जी तो फिर तुम्हारे इस्लामी ममालिक जो है ना जी वो उसके पीछे लग जाएंगे। अगर उनको लगने की क्या जरूरत? उनको नजूमी ने ये बताया हदीस में भी है कि इमाम मेहदी उनकी सल्तनत छीन लेगा। वो कह रहे जहाँ भी पता लग जाए इमाम मेहदी उसको कत्ल कर दो ताकि ये सल्तनत हमारी ना छीने। सारे अपने चक्कर में लगे इस इनमेल से गुजरना पड़ेगा ना उसको। वो भी परेशान भी हो जाएंगे ये सारे हालात देख के। अल्लाह मदद भी करेगा ना, जो बनाएगा वो मदद करना भी जानता है। उनकी सिर्फ इब्तदा से वो कैसे पता लगी पब्लिक के अंदर जो आया होंगे एकदम? कोई नहीं, बस इस हजूर पाक को किसने पहचाना, आखिर में पहचाना। जी जी अगर हजूर पाक को पहले पहचान जाते थे क्यों बकरियां लोग रहे चराने के लिए? जी पहचाना गया और आस्ता आस्ता फिर लोगों ने कहा ये सच्चे हैं जी, ये अमीन है, फिर अमीन नाम हुआ सादिक हुआ सच्चे नबी, तो किसी ने कहा ना। जी जी फिर आखिर में जाकर ना बहुत उतरी सब ने तस्लीम किया ना। सही बात। तो ये सिलसिला मोहम्मद अलैहिस्सलाम का होगा ना। अगर उनके सिलसिला आने के बाद दुनिया में जितने बाकी सिलसिले सब खत्म कर दिए जाएंगे मैं दिया सिलसिला बस सिलसिला में सारे सिलसिले उसी में जम हो जाएंगे। सब मजहब जो है ना वो भी उसी में जम हो जाएंगे सारे जितने जितने मजहब हैं ईसाई हिंदू सिख सब उसी में जम हो जाएंगे। उसकी तारीम ऐसी होगी कि हर मजहब वाला खुशी खुशी उसको तस्लीम कर लेगा हर मजहब वाला। क्यों अभी मुसलमानों में कैसे वो बरेलवी सुन्नी को जो सुन्नी है दूसरा वो उसको नहीं मानता। जी 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 मुसलमानों में बात करते हैं ना जी तो ये आपस में नहीं निपट सकते हैं सिखों से क्या निपटेंगे? क्या निपटे तो उनका ये होगा वो सारे आलम के लिए होंगे ना। उनका ईसाई भी इंतजार कर रहा है यहूदी भी इंतजार कर रहा है अल्लाह अता के सिख भी इंतजार कर रहा है कोई ऐसा मर्द मुजाहिद आएगा। तो ये जो अंग्रेजों की पेशन गोई है इसमें ये है कि मुसलमानों में से अच्छा मुस्लिम बाकी कहते हैं हम में से होगा हम में से होगा उसके अंग्रेजों ने कहा मुसलमानों में से होगा। तो जब मुसलमान अंग्रेजों ने कहा मुसलमानों में से होगा तो फिर शिया मुसलमान शिया जो ईरान वाले जी जी उन्होंने फिर यौम वलादत मनाया। अच्छा वो पैदा तो हो चुका है पता नहीं कहाँ है चलो कहीं भी है उसका यौम वलादत मना दो। उनकी देखा देखी पाकिस्तान में मना रहे हैं शिया का जी। लेकिन इतने सब मजहब ये कह रहे हैं कि इमाम मेहदी आ चुके इल्म नजूम वो भी कह रहा है जो भी इल्म है इल्म जुफर वो भी कह रहा है इल्म सारे कह रहे हैं सब इल्म ही है बस अचानक अफजा होने की बात है। तो जो जहर ही होंगे तो जबरदस्त ताकत देगा ना अल्लाह ताला जी वरना कौन मानेगा इमाम मेहदी जी सर।